अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का डेली चार्ट है, आप देख सकते हो। गोल्ड तकरीबन 1776 के आसपास बंद हुआ है। 1795 का हाई बनाया था फ्राइडे, 1797-50 और ऑलमोस्ट 1798 का हाई बनाया था थर्सडे। अगर आपने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि 1770 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज हो जाता है तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में एंट्री कर जाएगा। गोल्ड पॉजिटिव जोन में एंट्री कर चुका है। इनफैक्ट मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में एंट्री हो चुकी है। बट लास्ट वीक का आप क्लोजिंग देखोगे तो और इस वीक की क्लोजिंग देखोगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आएगा। अब ये देख लेते हैं। ये है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूजडे और मंडे। मंडे ओपन हुआ था 1775 पे और 1776 के आसपास क्लोज हुआ है। इनफैक्ट अगर आप डॉलर टर्म में लगाओगे तो 60 सेंट्स के आसपास जो है मार्केट ऊपर बंद हुई है अपने मंडे की क्लोजिंग से, मंडे की ओपनिंग से। तो इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं। $20 का ज़रूर एक राइज आया था। गोल्ड ने $1800 के आसपास जाने की कोशिश की लेकिन गोल्ड $1800 ब्रेक कर नहीं पाया और वापस से तकरीबन $20 से $22 जो है वो नीचे चला गया अपने हाई से। एक इंटरेस्टिंग वीक था। न्यू होम सेल्स के नंबर 1 मिलियन से भी ऊपर आए हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है यूएस इकोनॉमी के लिए। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने जो है वो जो उनके टैक्स हैं वो बढ़ाने के उन्होंने ऑलरेडी इशारा दे दिया है कि 39.2% के आसपास जो है या 39.5 शायद कॉरपोरेट टैक्स कर देंगे वो, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टर्म में जो उन्होंने टैक्स घटाए थे, अब बाइडन जो है वापस उन्हें बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि इस बढ़े हुए टैक्स से वो हेल्थ केयर और एजुकेशन फंड करेंगे। कॉरपोरेट अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका ये टैक्स बढ़ाना और उसी दिन जो है डाउ जोन्स और बाकी जो यूएस इंडाइसेस हैं वो काफ़ी गिर गए थे। अभी फ़िलहाल रिकवरी में बंद ज़रूर हुए हैं लेकिन एक ये जो है नेगेटिव न्यूज़ है यूएस इकोनॉमी के लिए टैक्स बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ने से पहले क्या क्या जो मेजर डेटा है नेक्स्ट वीक वो देख लेते हैं। मंडे देख सकते हो आप, ड्यूरेबल गुड्स हैं, ईसीबी की स्पीच है, डेलस मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं यूएस के। ट्यूसडे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे मॉर्गेज एप्लीकेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ये। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, मोर और लेस जो है घटेगा नहीं ना ही बढ़ेगा, बट यस उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट रहेगी वेडनेसडे को। थर्सडे ईसीबी एक ईसीबी मेंबर की स्पीच है। फिर यूरोप के सर्विसेज नंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस है, बिजनेस क्लाइमेट है, जॉबलेस क्लेम्स हैं थर्सडे को, पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। फ्राइडे आ जाते हैं। फ्राइडे को पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पर्सनल इनकम है, पर्सनल स्पेंडिंग है यूएस की। अब चलते हैं वापस से चार्ट्स पे। गोल्ड बहुत ही एक फ्लैट ओपनिंग क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अगर गोल्ड 1790 या $1800 के ऊपर बंद होता तो एक बहुत अच्छी मैं इसे क्लोजिंग मानता, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड बंद हुआ है एक बहुत ही फ्लैट क्लोजिंग है। 1775-50 के आसपास खुला था, 7620 के आसपास बंद हुआ है। ऑलमोस्ट जहाँ खुला था वहीं बंद हुआ है। अगर आप 50-60 सेंट का स्प्रेड भी मान लो तो ऐसा लग रहा है कि मंडे लास्ट वीक का मंडे और या फिर फ्राइडे की क्लोजिंग ही हुई है। ऑलमोस्ट पूरे वीक में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो। ये थोड़ी सी एक चिंता की बात है गोल्ड के बुल रन के लिए। बट इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या क्या है आइए देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी लाइक कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। 1708 का सपोर्ट है,
1712 के आसपास का सपोर्ट गोल्ड का नजर आ रहा है, लेकिन मैंने 4 से 5 डॉलर नीचे ही सपोर्ट दिया है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम वीकली चार्ट्स की बात करते हैं तो 4 से 5 डॉलर की जो है हमें सपोर्ट वो स्प्रेड देना पड़ता है बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी, और इस वीक फेड का डिसीजन भी है, तो इसलिए मैंने 4 से 5 डॉलर नीचे ही सपोर्ट दिया है। तो 1708 का सपोर्ट रहेगा। गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1822 डॉलर का। ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर गोल्ड 1822 डॉलर के ऊपर जाता है और क्लोज देता है तो हम तकरीबन 1950 डॉलर तक जा सकते हैं, लेकिन अगर गोल्ड 1708 डॉलर ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो तकरीबन 1670 और फिर उसके बाद 1550 डॉलर भी जा सकते हैं। तकरीबन जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है उनके बाद जो रेंज आएगी वो 100 से 150 डॉलर की आएगी। तो ख्याल रखिएगा, कोई भी आपकी मार्केट में पोजीशन है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिए। इंट्राडे में भी आप ज़रूर वीडियो देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, बिकॉज पूरे वीडियो में ही आपको आइडिया आएगा कि यूरो और गोल्ड में क्या रिलेशन कभी, क्योंकि लास्ट वीक जो था यूरो ऊपर चल रहा था, गोल्ड नीचे चल रहा था। तो अगर आप गोल्ड में काम करते हो तो आपको यूरो देखना भी बहुत ज़रूरी रहता है, उससे आपको आइडिया आता रहेगा कि गोल्ड का ट्रेंड कितना स्टेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, लास्ट वीक जब गोल्ड ऊपर जा रहा था और यूरो नीचे जा रहा था, इससे ये पता चलता था कि गोल्ड का ट्रेंड अभी भी जो है थोड़ा सा हॉलो है, और उस हॉलो का असर ये हुआ कि 2 दिन से गोल्ड नीचे जा रहा है। तो इसलिए अगर आप गोल्ड में काम करते हो तो आप यूरो भी देखा करो। मैं अपने इंट्राडे चार्ट्स पे यूरो इंट्राडे जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें यूरो कवर करता हूँ। चलिए अब चलते हैं सिल्वर पे, और जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाते टाइम ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यह है सिल्वर का चार्ट। फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। मंडे ओपन हुई थी 2592 पे और क्लोज हुई है 2595 पे। गोल्ड सिल्वर दोनों अपनी जो मंडे की ओपनिंग थे वहीं आके ही बंद हुए हैं फ्राइडे। दोनों को चार्ट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो लास्ट मंडे है वहीं पे हम आके खड़े हो गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दोनों की दोनों जो है कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई पूरा वीक। इंटरेस्टिंगली सिल्वर ने 2650 के ऊपर टेस्ट कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली एक सेलिंग आ गई और उसके बाद 26 डॉलर के नीचे मार्केट बंद हुई। बट एक बात ये हुई कि सिल्वर ने 2630 के ऊपर एक बार ऑलरेडी क्लोज दे दिया है। यह है 2650 का क्लोज दे चुका है ये वाला कैंडल, तो इसलिए जो है मार्केट अब पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है। बट थोड़ा और अच्छा लगता अगर 2630 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती और थोड़ा जो एक ट्रेंड है वो सीमेंट हो जाता, बट अभी थोड़ा सा एक वीक पॉजिटिव ट्रेंड जिसे कहते हैं, मतलब कि मैं आपको भी बता देता हूँ। सिल्वर का सपोर्ट पहले देख लेते हैं, 2430 का सपोर्ट है। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 2730 का। ट्रेंड सिल्वर का पॉजिटिव हो चुका है। वीक पॉजिटिव मेरा मतलब यह है कि टेक्निकली पॉजिटिव जरूर हो चुका है, बट एक जो कंफर्टेबिलिटी नहीं आ रही है बाइंग करने में पोजीशन, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें। 2630 के ऊपर एक बार क्लोज होगा तो और सिल्वर थोड़ा सा मजबूत कैंडल्स बनेंगे तो मजबूत ट्रेंड आएगा। अभी फिलहाल इसका ट्रेंड थोड़ा सा मुझे टेक्निकल जरूर पॉजिटिव हो गया, लेकिन थोड़ा सा अभी हिट एंड मिस लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें सिल्वर में ख्याल रखें। बाकी न्यूज़ पे नज़र रखें, मेरे इंट्राडे वीडियोस पे नज़र रखें, उसमें मैं हमेशा ट्रेंड जो है मेंशन कर देता हूँ। तो अभी सिल्वर गोल्ड का ये ट्रेंड है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। बाकी MCX के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, अगर आपने ज्वाइन का बटन दबाया है तो आपको दिख जाएंगे। ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हो। 62 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल की क्लोजिंग हुई है। क्रूड ऑयल ने कोशिश की थी जाने की 64 डॉलर के ऊपर, ये आप देख सकते हो, बट जा नहीं पाया और वापस से क्रैश हो गया और जबरदस्त क्रैश हुआ है। इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है आइए देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 66.30 डॉलर का।
क्रूड ऑयल का सपोर्ट है $59.50 का। क्रूड ऑयल अभी भी वीक जोन में है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप इसे शेयर भी कर सकते हो, शेयर का बटन भी है वीडियो में। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मैं मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए अपने इंग्लिश चैनल पे, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलूंगा आपको मंडे डायरेक्ट, अब तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। और प्लीज़ मास्क लगाइए अगर आप इंडिया से हो या कहीं से भी हो, बहुत ज़्यादा वायरस के केसेस हो रहे हैं, प्लीज़ मास्क लगाना मत भूलिए। मिलूंगा आप डायरेक्ट मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।